क्योंकि आज दो मुद्दे हमारे हैं, एक राम मंदिर तो कहा जा रहा है बेकार जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने गठबंधन का नाम लिया, गठबंधन 5 न्याय 25 गारंटी की बात कर रही है, जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1 लाख दुष्यंत जी सालाना देने की बात कर रही है। मुझे बताइए हिंदू आतंकवादी है क्या? मेरे को इसी तरह आतंकवादी है, मुझे बताइए ना, हिंदू आतंकवादी है? भगवा आतंकवाद होता है, हिंदू जिहादी होता है, हिंदू जिहादी होता है। गीता का उपदेश जिहाद है, गीता का उपदेश जिहाद है क्या? बाकी बताइए, खून खोलता नहीं है आपका? आपके ऐसे रखते हुए दिए जाते हैं, आप कहते हैं खड़गे साहब हमारे प्रेसिडेंट है, तो इसका मतलब आप कांग्रेस के हैं? ये नहीं, मैंने ये कहा कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे जी हैं। तो खड़गे जी ने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी आ गया यहाँ पर प्रधानमंत्री बन के तो देश में सनातन का राज आ जाएगा, इसके बारे में आपका कुछ कहना है? लेकिन पीएम भी तो यही कह रहे हैं कि अगर वो चले जाएंगे तो बाबरी ताला लग जाएगा। मैं तो एक सेकंड ये बात कह रहा हूँ ना, कि यही मैं कह रहा हूँ कि इसी बात को तो उन्होंने कहा कि अगर ये तो खड़गे साहब को तो नहीं कह सकते, उनका व्यक्तिगत विचार है। दुष्यंत जी आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैं आपके बीच में, मेरे बीच में तो बोल रहे हैं, बोलने का अवसर मुझे दिया, बोल आप दोनों रहे। अरे जब आपने कहा कि मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, लेना चाहते हैं कहा कांग्रेस पार्टी ने और खड़गे जी ने क्या कहा? आपसे पूछा देश की बोला, मैंने महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा। खड़गे जी के सवाल का शोषण होता है, समझ नहीं आता है, उसके बाद कहते हैं हम चुप बैठे रहे, मुंह में उंगली बैठ के बैठे रहे, लेकिन मौलाना जो है वो हमेशा जायज बात करते हैं, वो हमेशा देश को जोड़ने की बात करते हैं, चाहे उनके मदरसों से आतंकवादी निकले, AK-47 निकले, तमाम आतंकवादियों में जो सामने दिख रहा है समस्या, उससे कहीं ज्यादा ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बाहर के लोग नहीं बोल रहे, ये वहां से निकले हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, राजका खेड़ा हो, गौरव वल्लभ हो, रोहन गुप्ता हो, बाकी लोग हो, वो सब अंदर वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर हिंदुओं के खिलाफ कितना जहर भरा हुआ है। ये भीतर के लोग कह रहे हैं, ये बाहर के लोग किसी ने आरोप नहीं लगाया, अंदर की बात आकर के बता रहे हैं वो, ये है असली सच्चाई। ये तो देश की जनता और उनके अध्यक्ष खड़गे साहब, उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी आ गया तो सनातन का राज आ जाएगा। उनके बेटे प्रियंक खड़गे ने कहा कि अगर इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म हो रहा तो क्या गलत है, बहुत गलतियां हैं उसमें, बहुत कमियां हैं, होना चाहिए, खत्म होना चाहिए ये सब कुछ। एक नहीं, अगर एक कोई कह दे तो व्यक्तिगत बयान कह करके मैं उसको टाल सकता था, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी जमात बोल रही है यहाँ पे तो। और मजे की बात यह है कि कॉर्पोरेट क्या है कि अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के न सिर्फ कितनी भटकाए गया, ना फैसला आ पाए, फैसला आने के बाद ना बन पाए, भूमि पूजन हुआ तो प्रधानमंत्री क्यों गए? अवस्थी जी, जी सनातन और ये जो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर वो बात कर रहे हैं तो वो तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है, लेकिन अगर वो वहां पर मुसलमानों के हक की, मैं उनके मैनिफेस्टो की बात कर रही हूँ जो यहाँ पर लगातार बात हो रही है, लेकिन वो तुष्टिकरण की राजनीति है, थोड़ा ये भी मैं समझ, इस पे आपत्ति है? मैनिफेस्टो में आपने मुसलमान शब्द लिखा हुआ है, आप दिखा सकते हैं? मैं बता देता हूँ, देखिए उसमें वो 3-4 बात जो है वो गिनवाई, आप बताइए
आमंत्रित कर रहे हैं आपको। ठीक है, अरे भैया मैं ठीक है, एक एक करके क्विक रिएक्शन फिर शलभ जी और प्रोफेसर साहब। बता देता हूँ, ये तो सिर्फ आरोप लगाते हैं कि दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं हिंदुस्तान की जनता के सामने रखता हूँ, इन्होंने दलितों का आरक्षण खा गए। जामिया मिलिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कांग्रेस की सरकारों ने दलितों को बाहर कर दिया, जो पूरे देश में मिलता है उनको। दलितों को मालूम होना चाहिए। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसका माइनॉरिटी का करेक्टर तो कांग्रेस ने ही छीना। 2013 उल्टा करते हैं आप लोग। अगर वहां आप देखिए, मैं आपको बताऊं, जब जामिया मिलिया इस्लामिया को माइनॉरिटी करेक्टर जस्टिस सोहेल एजाज सिद्दीकी ने दिया, एक मिनट एक सवाल, नहीं नहीं, वो इंस्टीट्यूशन किसने बनाया है? उनका आपने पढ़ा है? दो शब्दों का एक सवाल, हम ये कह रहे हैं इंस्टीट्यूशन किसने बनाया? दोनों अलीगढ़ और जामिया के इंस्टीट्यूशन किसने बनाया? आप बताइए। आप ये बताइए कि उस तरीके से मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बनाया था, तो वहां पर किसी मुसलमान को नहीं होना चाहिए क्या? ठीक है ना, नहीं नहीं, यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो है, नहीं नहीं यहाँ भी है। आप जान देखिए वहाँ कितने लोग पढ़ते हैं। आप कह रहे हैं भाई, नहीं नहीं, मैं रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं आप लड़ाना चाहते हैं दलित और मुस्लिम को, बिल्कुल लड़ने वाला नहीं है। एक बार इस पर मैं जरा क्विक रिएक्शन शलभ जी का ले लूं, फिर प्रोफेसर साहब का रुख करूंगी। एक बार इसी पर जो चर्चा यहाँ पर चल रही है, एक बार शलभ जी का क्विक रिएक्शन। आ रही हूँ शलभ जी, फिर आ रही हूँ प्रोफेसर साहब। नहीं हिमानी जी, मुझे लगता है कि आज हम सबको शर्म आनी चाहिए जिस प्रकार की बयानबाजी राहुल गांधी जी के सबसे करीबी सबसे प्रिय सैम पित्रोदा जी की तरफ से आई है। मुझे लगता है कि पूरे देश के लोगों को इसको लेकर शर्मिंदगी हो रही होगी। आप किसी के कलर को लेकर, किसी की वेशभूषा को लेकर, किसी के चेहरे को लेकर आप इस प्रकार का बयान कैसे दे सकते हैं? और वो व्यक्ति जो राहुल गांधी का सबसे करीबी है, जो ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष है, जिसको लगातार हम सबको याद आता है कि 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी लेकर उत्तर प्रदेश में घूमते रहे। आप द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। आप इस देश की माताओं बहनों उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि एक सामंती विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है। क्यों? क्योंकि उनको इटली पसंद है, उनको ऐसे लोग पसंद हैं जो सामंती वेशभूषा के हैं। राहुल गांधी जी को देख लीजिए और उनके परिवार के लोगों को देख लीजिए। इसलिए भारत की जनता को ये लोग कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं। भारत की जनता के प्रति इनका इस प्रकार का भाव है, भारत की जनता के प्रति जो इनके विचार है, आज वो सैम पित्रोदा की भावनाओं के तौर पर बाहर आया। राहुल गांधी भाषण में भले कुछ बोल लें, प्रियंका वाड्रा भाषण में भले कुछ बोल लें, लेकिन असली बात आज सैम पित्रोदा ने बोली है। और इमरजेंसी के दौरान अगर आप किताबों को पढ़ेंगे, जिन लोगों ने इमरजेंसी को इस देश में रूपांकित किया है, लिखा है, आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल वही बात निकल कर आएगी। इमरजेंसी के दौरान गांधी परिवार ने इस देश के साथ जो किया है वो एक तरह की सामंती विचारधारा थी। इस देश की माताओं बहनों को, गरीबों को, पिछड़ों को, वंचितों को, सबको ये लोग कूड़ा मकोड़ा समझते रहे। ठीक है, क्विक रिएक्शन प्रोफेसर साहब, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही कई लीडर्स को हम देख रहे हैं अभी जो कांग्रेस की तरफ रहते हुए कुछ बोलते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। कहीं ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित करके सैम पित्रोदा जी से ये बयान दिलवाया। ये आना बाकी था अभी। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने उनके बयान का खंडन किया। कांग्रेस पार्टी के नेता का जनरल सेक्रेटरी का बयान आया हुआ है। आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी क्यों ले लेती है उन थाली के बैंगनों को? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं, अपने लीडर नहीं है कहीं, जो बेसिक क्यों कांग्रेस के लोगों को लाके जमा कर रहे हैं वहाँ पे? अरे भाजपा में बहुत कार्य कराते हैं, आपको ले सकते हैं। ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, लेकिन